वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बुधवार को कोविड-19 नियंत्रण समीक्षा के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों, समीक्षा तथा 1 अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं खरीद व कैच फॉर रेन की भी समीक्षा की। आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत ललिकर, DIG डॉक्टर प्रतिंदर सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP दिनेश कुमार पी, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिक से अधिक टेस्टिंग कराकर तथा वैक्सीनेशन के द्वारा कोविड-19 संक्रमण पर लगाम लगाया जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने, लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं खरीदने व कैच फॉर रेन योजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसमें बहुत सारी कार्रवाइयां की जानी होती हैं। पंचायत का चुनाव सभी इलेक्शन से सभी चुनाव में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चुनाव होंगे। दूसरा, इधर आप सभी की जानकारी में है कि कोविड-19 के केसेस में विगत लगभग 1 माह से बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। अतः इसके लिए हमने प्रिपेयरनेस भी, जैसी प्रिपेयरनेस हमने लास्ट ईयर पीक टाइम के दौरान की थी, ऑलरेडी हम सब अवगत हैं कि क्या क्या कार्रवाई करनी होती है। उन सब बिंदुओं को एक बार दोबारा हमें रीबूट करके और रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। कैसे शिक्षा बताएंगे। तीसरी बात, कल से यानी कि 1 अप्रैल से बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिना किसी शिकायत के जो मंशा है उसके अनुसार रिक्वायरमेंट हो सुनिश्चित कर लिया जाए। और चौथा बिंदु, हम लोग जल संरक्षण के बारे में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 22 मार्च को लॉन्च किया था कैच दी रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। इन 4 बिंदुओं पर इंटरजेक्ट, बट मैं अनुरोध करूंगा इसलिए इस पंचायत राज के बारे में क्या क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में बता दें, उसके बाद DGP साहब। पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन का काम 3 अप्रैल से शुरू होगा और ये काउंटिंग 2 तारीख से शुरू होगी और ये माना जा रहा है कि 4 बजे में चुनाव होना है। आप सभी लोगों को पूरा डिटेल प्रोग्राम भेज दिया गया है और आपकी तैयारी चल रही है। इस संबंध में मुझे ये अनुरोध करना है कि जो भी पोलिंग सेंटर्स बन रहे हैं और पोलिंग बूथ्स बन रहे हैं, 4 फेज में पोल है, तो कुछ मंडल ऐसे हैं जहां 4 से ज़्यादा जिले हैं, वहां पे 1 दिन में 2 अधिकतम जनपद रखे गए हैं पोलिंग के लिए। चूंकि स्टाफ पहली बार हो रहा है ऐसा, अदरवाइज हम लोग जिले में ही फेजिंग करते रहे, तो इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो रहा है स्टाफ का और मैन पावर का। जब बड़ा जिला को लगाया गया है तो फिर उसमें ये बनाया गया है कि उसमें कहाँ से एडिशनल स्टाफ भेजा जाना है जिले से, इस तरह से वो फेजिंग बनाई गई है। इलेक्शन कमीशन को टेंट्स का, माइक का, लाउडस्पीकर, ये सब जो होता है इसको आप लोग समय से पे कर लें ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स को आखिर में कोई दिक्कत नहीं है। 11th और उनकी ओर से कोई इसमें प्रॉब्लम ना खड़ी की जाए और कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सूचना वेबसाइट पे है रिजर्वेशन और अलॉट नहीं आना चाहिए कि वेबसाइट पे कोई फिगर है। और इलेक्शन के लिए अब पहले जो रास्ते हैं पोलिंग बूथ तक के उनको एक बार देखना और पोलिंग बूथ में अरेंजमेंट को देखना, ये जब बूथ पे वो लगा रहे हैं, बट जनरल 1+ ठीक आएगा। और पंचायत इलेक्शन के बारे में ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। बाकी सेंसिटिविटी के बारे में आप समझते हैं, पैसा जो पंचायतों का है उसको खर्च करने के बारे में हम लोग का एक टैसिट मैसेज जो अपने पंचायती राज के स्टाफ को है वो ये है कि अभी ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए और जब पंचायतें कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तभी वो काम उसको नया सिरे से शुरू किया जाए। ये इलेक्शन के बारे में जहाँ तक इलेक्शन के पुलिस अरेंजमेंट्स का प्रश्न है, जो हम लोगों का
और थोड़ा कंफ्यूजन ऑक्सीलरी फोर्सेस के बारे में रहा है जो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी हमने एक स्टेटमेंट भेजा है परसों, जिसमें अब आपसे मोबिलाइजेशन कर पा सकते हैं, कितना ड्रोन लेवल से मोबिलाइजेशन कर पा सकते हैं और कितना रिजर्व आपको और से देने की आवश्यकता है, इसको हम आग्रह कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी। गाजियाबाद, मेरठ और बाकी कंफर्ट टाउन जो हमारे हैं, इन सभी में कबाड़ टाउन जो हैं हमारे,